नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो गैस ये है मेरे पास रेडमी 4A फोन, काफी पुराना है बट काफी सॉलिड फोन है का, बहुत ही अच्छा चला मुझे। तो क्या हुआ एक्चुअली, चलते चलते कुछ दिन पहले इस फोन में एक प्रॉब्लम आ गया था कि फोन बहुत ज्यादा लैग कर रहे थे। मतलब इसमें अगर कुछ भी हम टच करें तो टच का रेस्पॉन्स इमिडिएट नहीं आ रहा था, कई मतलब कई सेकेंड के बाद जाके टच रेस्पॉन्स आ रहा था। और एक चीज और हो रहा था कि इसमें से बैटरी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा था, अपने आप बैटरी चला जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो फोन तो पुराना हो गया तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक बार रीसेट कर लेते, फॉर्मेट कर लेते। तो जो भी डेटा था मैंने रीसेट वगैरह कर लिया सारा क्लीन करके। इसमें अभी जो एप्लीकेशन है और इसमें 2 GB रैम है उसके लिए ये काफ़ी पर्याप्त है। मतलब जो रैम है उसके ये सही चलना चाहिए, और उसके अलावा इसमें जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें भी 50-50 अभी खाली है, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट फिर भी ये फ़ोन बराबर नहीं चलते थे, तो मेरा मन में एक डाउट आ गया, शायद ये इसका जो टच है डिस्प्ले वो शायद खराब हो गया या फिर कोई सर्किट वगैरह अंदर कट गया है, इसके वजह से ऐसा होगा। बट उसके बावजूद मेरा अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, नहीं ऐसा। तो मैंने क्या किया, फ़ोन को एक बार जो है सेफ मूड में बूट किया। दोस्तों सेफ मूड, हर एक फ़ोन में एक ऐसा मूड होता है, बूटिंग मूड होता है, जहाँ पर आप बूट करके आपके फ़ोन के अगर कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, कोई हार्डवेयर खराब हो जाती है या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। मतलब इस तरीके से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं एक तरीके से। तो मैंने भी सेफ मूड में इसको बूट किया, और सेफ मूड में बूट करने के बाद फोन बहुत ही अच्छा चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं। तो मुझे डाउट हुआ कि हाँ मेरा फोन में डेफिनेटली कुछ सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है, जो एप्लीकेशन वगैरह है उसमें कुछ इशू है, और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब उसमें वायरस मालवेयर आया हुआ था, जिसकी वजह से क्या है, मालवेयर इस फोन में जो भी एक्टिविटी करते हैं इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद, तो फोन के सारे डेटा जो है कोई और सर्वर में इसका बैकअप चले जाते थे शायद। तो इसीलिए फोन एक तो स्लो हो रहा था, दूसरी ये हैंग भी कर रहे थे। मतलब स्पेशली डिस्प्ले का जो टच है वो काम नहीं कर रहे थे, और कई बार कोई एप्लीकेशन जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा था बिना कोई टच किए। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया प्रॉब्लम क्या है, अभी इसको ठीक कैसे करना है, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, अभी आपको बताएंगे। सो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे सेफ मूड में एंटर करते हैं, और सेफ मूड में एंटर करने के बाद डायग्नोसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि अभी सेफ मूड में आपके फ़ोन अच्छा चल रहा है, तो आपको जो नॉर्मल मूड है उसमें जाके ही आपको अपना फ़ोन में जो भी वायरस वगैरह है उसको रिमूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सेफ मूड में जाते हैं। तो सेफ मूड में जाने के लिए एमआई फ़ोन में करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पावर ऑफ करना होता है। पावर ऑफ करने के बाद मतलब फिर से रिबूट करना है। सभी एमआई फोन में इसी तरीके से आप कर सकते हो, जो एमआई का फोन एंड्रॉइड में चलते हैं सबको। तो पावर बटन प्रेस करने के बाद जैसे एमआई का लोगो आएगा, तो आपका वॉल्यूम डाउन बटन कुछ देर तक, जैसे कि अभी देख पा रहे हो, कुछ देर तक ऐसे प्रेस करके रखना होता है। आप देखते रहिए, मैं प्रेस करके रखा हूँ अभी वॉल्यूम डाउन बटन ओनली। ये एंड्रॉइड का लोगो आ गया है, और यही पे आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा, लिखा आएगा कि सेफ मोड। तो आपको सेफ मोड में बूट करने के बाद कैसे पता चलेगा, अगर आपके फोन में कोई हार्डवेयर वगैरह खराब हो गया तो आपको सेफ मोड में भी वही प्रॉब्लम दिखाई देगा, और नॉर्मल मोड में जो आप फोन चला रहे हैं तो उसमें भी वही प्रॉब्लम दिखाई देगा। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली ओएस में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको दोनों में वही दिखाई देगा। और आपके कोई एप्लीकेशन में वायरस वगैरह है तो आपको सेफ मोड में दिखाई नहीं देगा, ऐसा सेफ मोड में सही चलेगा, जैसे कि मेरा केसेस में हुआ। आप नीचे अभी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ गया, शायद कैमरा फोकस नहीं हो पा रहा है, नीचे लिखा है सेफ मोड। तो सेफ बूट में आने के बाद आपको नॉर्मली फ़ोन को चला के देख लेना है, कि आप डेली जैसे फ़ोन को चलाते हो ऐसे आपको चला के देखना है कि फ़ोन बराबर काम करता है नहीं करता है। तो मैं जब सेफ बूट में आया, आने के बाद इस तरीके से मैं भी देखा, तो फ़ोन ऐसे तो बराबर काम कर रहे थे, बट नॉर्मल मूड में जब ऐसा मैं कुछ टास्क कर रहा था तो बहुत देर से रेस्पॉन्ड कर रहा था। तो मुझे पता चल गया कि मेरा फोन ऐसे ठीक है, हार्डवेयर भी ठीक है, इसका ओएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम जो है वो एप्लीकेशन में है। तो फिर मैंने क्या किया, ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद मुझे पता चला उसमें दो मालवेयर थे, और दोनों को मैंने डिलीट किया, और उसके बाद अभी फ़ोन आपके सामने ही है। मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ऐसे तो इस टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशन है जो एंटीवायरस होता है। तो मैंने जो अभी यूज़ किया जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसका नाम है मालवेयर बाइट्स। एक्चुअली इससे आपको स्कैन करना है आपके फ़ोन को, वायरस है क्या है सब बता देगा यहाँ पे, और रिमूव करने के लिए भी यहाँ से सिंपली एक क्लिक से ही आप रिमूव कर सकते हो। तो मैंने भी वही किया है। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं। तो मैं अभी ये एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर पाएंगे।
तो सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और स्कैन स्टार्ट स्कैन में क्लिक करना है। आपके देखिए इस तरीके से स्कैन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया स्कैन करना और ऑलरेडी एक मैलवेयर जो है यहाँ पे फाउंडेड दिखा रहा है, मतलब एक वायरस यहाँ पे मिल गया है कोई एप्लीकेशन में, ऑलरेडी ये हमें दिख रहा है स्क्रीन पर। और इसको हम कंप्लीट होने देंगे, एक्चुअली इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, मेरे केसेस में लगभग 1 घंटा समय लग गया था। तो आपको भी इस तरीके का बा इससे ज़्यादा समय लग सकता है, डिपेंड आपके मोबाइल में कितना एप्लीकेशन है। तो देखिए ये फाइनली मेरा स्क्रीन में ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे 2 malware फाउंड हो गया, चाहे फाउंड हो गया और यहाँ पे सिलेक्टेड दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे रिमूव सिलेक्टेड ग्रीन जो बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके इसको अभी रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहे तो इसको डीसिलेक्ट भी कर सकते हो, टिक मार्क जहाँ पे लगाएं वहाँ पे अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे अनटिक हो जाएगा, इग्नोर कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे इसको डीसिलेक्ट नहीं करना है, इसको रिमूव करना है, क्योंकि इससे पहले मुझे मोबाइल में कभी इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ नहीं था कोई भी मोबाइल पे एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो मैं इसको अभी मेरा मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये वायरस है पक्का, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सिंपली रिमूव में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ओके का, तो आपको ओके कर देना है। अगेन बोल रहा है कि इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, तो आपको ओके करना है, और जैसे ओके करेंगे तो अनइंस्टॉल होने का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा, और ये साथ ही अनइंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, के मोबाइल से भी ये वायरस जा चुका है। तो और उसके बाद मैंने फिर से एक बार स्कैन को रन किया है और इस बार मुझे बहुत ही जल्दी फटाफट से स्कैन हो गया और उसके बाद मुझे किसी तरह की थ्रेट जो है देखने के लिए नहीं मिला है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो देख के आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में किसी तरह के सवाल सुझाव डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।